पश्चिम बंगाल में सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा काली देवी पर दिए गए अपने बयान के बाद अब खुद अपने ही जाल में फंसती हुई दिख रही हैं। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने उनके बयान से किनारा कर लिया है। पार्टी ने कहा कि महुआ मोइत्रा ने काली देवी को लेकर जो बयान दिया है वो इनका निजी बयान है और पार्टी इसका समर्थन नहीं करती। गौरतलब है कि टोरंटो में रहने वाली फिल्मकार लीना मड़ी मेकलई ने ट्विटर पर अपनी नई शॉर्ट फिल्म काली का पोस्टर शेयर किया था, जिसमें हिंदू देवी को धूम्रपान करते और हाथ में LGBTQ समुदाय का झंडा थामे हुए दिखाया गया है। इसी पोस्टर का समर्थन करते हुए महुआ मोइत्रा ने कहा था कि माँ काली मांस खाने वाली और शराब स्वीकार करने वाली देवी हैं। उन्होंने कहा कि वो काली देवी को इसी रूप में देखती हैं। इसके बाद विवाद बहुत बढ़ गया और अब TMC ने ट्वीट कर सफाई दी है। TMC ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा कि इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट 2022 में महुआ मोइत्रा द्वारा की गई टिप्पणियां और देवी काली पर व्यक्त उनके विचार उनकी व्यक्तिगत क्षमता में किए गए हैं और पार्टी उनका किसी भी तरीके से समर्थन नहीं करती है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस इस तरह की टिप्पणियों की कड़ी निंदा करती है। बता दें कि महुआ मोइत्रा इससे पहले भी कई बार उल्टे सीधे बयान दे चुकी हैं। वहीं मोइत्रा ने कहा था कि आप जिस तरह की चाहें अपने भगवान की कल्पना कर सकते हैं, मेरे लिए माँ काली मांस खाने वाली और शराब स्वीकार करने वाली देवी हैं। कई जगहों पर भगवान को विस्की चढ़ाई जाती है, वहीं कई अन्य जगहों पर इसे ईस निंदा भी माना जा सकता है। महुआ मोइत्रा के इस बयान को लेकर भाजपा ने भी विरोध जताया है। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी ने ममता से कार्रवाई करने की मांग की है। विपक्ष के नेता सुमेंदु अधिकारी ने कहा कि TMC हमेशा हिंदू देवी देवताओं का अपमान करती है, जबकि इधर दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस ने फिल्मकार लीना मड़ी मेकलई के खिलाफ उनके वृत्तचित्र काली के विवादास्पद पोस्टर के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने बताया कि एक वकील ने पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया था कि सोशल मीडिया पर एक पोस्टर का प्रचार हो रहा है जिसमें देवी काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। वहीं कनाडा के ओटावा स्थित भारतीय उच्चायोग ने भी कनाडाई प्राधिकारियों से लघु फिल्म काली से जुड़ी सभी आपत्तिजनक सामग्री हटाने की अपील की है। उच्चायोग ने कनाडा में मौजूद हिंदू समुदाय के नेताओं से वहां प्रदर्शित लघु फिल्म के पोस्टर में हिंदू देवी के अपमानजनक चित्रण को लेकर शिकायतें मिलने के बाद यह कदम उठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन हुआ। भाजपा और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन सरकार बनते ही सबसे चौंकाने वाला फैसला रहा पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का उप मुख्यमंत्री बनना, जिनको लेकर हर शख्स को यही उम्मीद थी कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। यहां तक कि एकनाथ शिंदे भी यही मानकर चल रहे थे कि भाजपा के साथ सरकार बनाने पर फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे और वो खुद डिप्टी CM। लेकिन ऐन वक्त पर एकनाथ शिंदे से कहा गया कि आप CM पद संभालिए, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री के रूप में आपके साथ रहेंगे। लेकिन आखिर ये फैसला लिया क्यों गया और क्या है इसके पीछे की कहानी, तो अब इस राज से पर्दा खुद देवेंद्र फडणवीस ने उठाया है। नई सरकार में डिप्टी CM बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस पहली बार अपने गृह क्षेत्र नागपुर पहुंचे। यहां मीडिया से बात करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कई बड़े खुलासे किए। उन्होंने डिप्टी CM का पद स्वीकार करने को लेकर कहा कि उन्होंने PM नरेंद्र मोदी के आदेश पर ऐसा किया है। उन्होंने कहा कि मैंने ही यह प्रस्ताव दिया था कि मैं सरकार के बाहर रहूंगा और उसके संचालन में पूरी मदद करूंगा, लेकिन राज्यपाल को चिट्ठी देने के बाद जब हमने मीडिया से बात की तो फिर घर पहुंचने पर अध्यक्ष JP नड्डा जी का फ़ोन आया था। इसके बाद अमित शाह ने भी फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि मुझे सरकार में जाना चाहिए और बाहर से उसका संचालन नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जब सोनिया गांधी पीछे रहकर कांग्रेस की सरकार चलाती थी तो हम उनकी आलोचना करते थे कि असंवैधानिक तरीके से सरकार चला रही हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद PM नरेंद्र मोदी से बात हुई और फिर फैसला लिया। उन्होंने कहा कि PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार बाहर नहीं रहती, सरकार चलानी है तो फिर हमें उसमें शामिल होना है। उन्होंने कहा कि इसके बाद हमने अपने वरिष्ठों के आदेश पर फैसला बदल दिया और डिप्टी CM की शपथ ली। उन्होंने कहा कि हमारे नेताओं की साफ राय थी कि बिना सरकार में शामिल हुए कैसे सरकार चल जाएगी। कोई असंवैधानिक संस्था के तौर पर सरकार का संचालन नहीं किया जा सकता, इसलिए उसमें शामिल होना जरूरी है। पार्टी के नेताओं का आदेश मेरे लिए सब कुछ था। यदि वह यह भी कह देते कि आपकी ज़रूरत नहीं है, घर चले जाओ, तो मैं उस पर भी राजी हो जाता। उन्होंने आगे कहा कि इस फैसले से हमने साबित किया है कि हम सत्ता के लालची नहीं हैं। हमारे पास 115 विधायक थे, यदि जीत करते तो मुख्यमंत्री का ही पद मिल जाता, लेकिन हमने यही प्रस्ताव तैयार किया कि मैं सत्ता से बाहर रहूंगा और शिंदे सरकार को पूरा समर्थन करूंगा। इस दौरान उन्होंने नागपुर के लोगों को भरोसा दिलाया कि महाराष्ट्र विधानसभा का शीत सत्र यहीं से चलेगा। उन्होंने एकनाथ शिंदे को लेकर कहा कि मैंने उनके साथ पहले भी काम किया है, वो एक सफल मुख्यमंत्री साबित होंगे क्योंकि उनमें काफ़ी गुण हैं।
उन्होंने आगे कहा कि मैं इस सरकार को चलाने में सबसे अधिक योगदान दूंगा। हम सब मिलकर महाराष्ट्र की पटरी से उतरी ट्रेन को पटरी पर लाएंगे। महाराष्ट्र को देश में नंबर वन बनाए बिना नहीं रुकेंगे। मैंने 2.5 साल तक नेता विपक्ष के तौर पर काम किया और पूरे राज्य का दौरा किया था। तब मुझे पता चला कि राज्य में बहुत से लोग ऐसे हैं जो शिवसेना के नेतृत्व से नाराज हैं। देवेंद्र फडणवीस ने इस मौके पर उद्धव ठाकरे के शासनकाल पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि अब इस सरकार में लोगों को बोलने की आज़ादी होगी और किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कहीं सड़क पर पेड़ है तो कहीं बिजली का खंभा, कहीं ट्रांसफार्मर है तो कहीं कोई धार्मिक ढांचा, लेकिन इन सब की वजह से दिल्ली के 77 कॉरिडोर का काम ठप है, जिससे दिल्ली को डीकंजेस्ट किया जाना है। केजरीवाल सरकार के अफसरों की लापरवाही और लाल फीताशाही के चक्कर में फंसकर दिल्ली का कबाड़ा हो रहा है। असल में केजरीवाल सरकार के इस खेल की पोल तब खुली जब LG VK सक्सेना ने सभी विभागों की मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार भी मौजूद थे। एक एक करके जब विभागों ने बोलना शुरू किया तो काम न होने की पोल खुलती चली गई। विभागों ने काम रुके होने की जो वजहें बताई वे इतनी छोटी थी कि उपराज्यपाल का पारा चढ़ गया। विभागों ने बताया कि सड़क पर पेड़, इलेक्ट्रिक पोल, ट्रांसफार्मर या धार्मिक स्ट्रक्चर होने की वजह से काम रुका पड़ा है। बताया जा रहा है कि इन वजहों से 2019 से इन अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार थम गई है। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने गुस्से में मीटिंग में मौजूद अधिकारियों से कहा कि जो काम दो विभागों के बीच महज एक चिट्ठी से हो जाना चाहिए था उसके लिए इतनी बड़ी बैठक बुलानी पड़ रही है। उन्होंने पूछा कि दो विभाग आपस में मसले को क्यों नहीं सुलझा पा रहे। इसके बाद उन्होंने मुख्य सचिव को यह निर्देश दिया, जिम्मेदारी तय करें कि ऐसी लेट लतीफी किन अधिकारियों की वजह से हो रही है। अगर वह तुरंत इसमें सुधार नहीं करते तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाए। मीटिंग में यह भी पता चला कि ऐसे 119 मामले हैं जिनकी वजह से इन प्रोजेक्ट पर काम रुका पड़ा है। इनमें से सबसे ज्यादा 58 मामले PWD विभाग के अंतर्गत आते हैं। 8 जगहों से पेड़ हटाना है, 7 जगहों से झुग्गी हटानी है, तो वहीं 17 जगहों से बिजली के खंभे या ट्रांसफार्मर हटाने हैं। 5 जगह तो ऐसी हैं जहां बैंक्वेट हॉल सड़क पर ही है और वहां पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं हो पा रही, इसीलिए प्रोजेक्ट अटका पड़ा है। इस वजह से महत्वपूर्ण सड़कें जैसे कि मेहरौली गुड़गांव रोड, मेहरौली बदरपुर रोड, रिंग रोड, लोनी रोड जैसे प्रोजेक्ट पर काम रुका पड़ा है। उपराज्यपाल सक्सेना ने नाराजगी जताई कि पहले तो अधिकारी अनाधिकृत निर्माण होने देते हैं, जैसे कि झुग्गी बसने देना और धार्मिक निर्माण को खड़ा होने देना, और उसके बाद उन्हें हटाने के नाम पर सब कुछ फाइलों में फंसा देते हैं। LG ने तत्काल अधिकारियों को यह आदेश दिया कि ऐसा काम अगर कहीं शुरू हो रहा है तो उसे वहीं रोका जाए ताकि आगे सिरदर्दी न बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे की मुश्किलें खत्म नहीं होती दिखती। वजह यह है कि जो विधायक अब तक उनके साथ हैं वे रहेंगे कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है, और जो लोकसभा के सांसद अब तक उनके साथ हैं वे कब पाला बदलेंगे इसका अंदाजा भी ठीक ठाक नहीं लगाया जा सकता। उद्धव ठाकरे की अगली परीक्षा राष्ट्रपति के चुनाव में होनी है, जिसमें NCP और कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे यशवंत सिन्हा को वोट देना चाहते हैं, लेकिन अब एक सांसद ने पत्र लिखकर उद्धव ठाकरे को अपना फैसला बदलने की सलाह दी है। लोकसभा सदस्य राहुल शिवाले ने पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे से अपील की है कि वह अपने सांसदों को राष्ट्रपति चुनाव में NDA प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करने का निर्देश दें। ठाकरे को लिखे पत्र में दक्षिण मध्य मुंबई के लोकसभा सदस्य शिवाले ने कहा कि राजनीति में आने से पहले मुर्मू शिक्षिका थी और बाद में वह ओडिशा की मंत्री बनी और उन्होंने झारखंड के राज्यपाल के तौर पर भी अपनी सेवाएं दी। शिवाले ने कहा कि उनकी आदिवासी पृष्ठभूमि और सामाजिक क्षेत्र में योगदान पर विचार करते हुए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुर्मू का समर्थन करने की घोषणा करें और उसी के अनुरूप सभी शिवसेना सांसदों को ऐसा करने का निर्देश दें। शिवाले ने लिखा कि शिवसेना संस्थापक दिवंगत बालासाहेब ठाकरे ने वर्ष 2007 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में NDA के राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी का समर्थन नहीं किया था, बल्कि UPA की प्रत्याशी और महाराष्ट्र निवासी प्रतिभा पाटिल का समर्थन किया। शिवाले ने कहा कि इसी प्रकार शिवसेना ने वर्ष 2012 में UPA के राष्ट्रपति उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया, जबकि वह कांग्रेस नीत गठबंधन का हिस्सा नहीं थी। शिवाले के पत्र से एक बार फिर यह सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या विधायकों की तरह अब सांसद भी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ने वाले हैं।
शिवाले ने यह पत्र ऐसे समय में लिखा है जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट की नजर शिवसेना के सांसदों पर है। शिवसेना के 18 में से 11 सांसद एकनाथ शिंदे का साथ दे सकते हैं। शिवसेना के लोकसभा में 18 और राज्यसभा में 3 सदस्य हैं। मुर्मू को समर्थन देने के मुद्दे पर शिवसेना के बागी गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने कहा है कि राज्य के विधायकों और सांसदों को एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में एकजुट होने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। हिंदुओं की आराध्य देवी मां काली पर दिए गए भड़काऊ बयान के बाद पश्चिम बंगाल से सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले तो उनके बयान से खुद उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किनारा कर लिया और इसे महुआ का निजी विचार बता दिया, और अब राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने महुआ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके बाद उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। भाजपा नेता राजश्री लाहिड़ी ने कोलकाता के रविंद्र सरोवर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें कहा गया है कि महुआ मोइत्रा ने एक कार्यक्रम के दौरान मां काली को लेकर कहा कि काली मांस और शराब स्वीकार करने वाली देवी है। मोइत्रा ने जानबूझकर हमारे धर्म और धार्मिक मान्यता के बारे में यह बयान दिया। भाजपा नेता ने अपनी शिकायत में कहा, यह बयान काली देवी का अपमान करने के इरादे से दिया गया। वर्तमान में पूरे पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा हो रही है और संपत्तियों को नष्ट किया जा रहा है। पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही, राज्य में माहौल बिगड़ सकता है। शिकायत में आगे कहा गया कि ऐसे में महुआ मोइत्रा का बयान स्थिति को और बिगाड़ सकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर हिंदू भावनाओं को आहत करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। महुआ मोइत्रा का बयान व्यवहारिक रूप से धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देता है। ऐसे में महुआ के खिलाफ 153A और 295A के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि टोरंटो में रहने वाले फिल्मकार लीना मणिमेकलई की नई डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर और फिर उस पर दिए गए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बयान पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। लीना मणिमेकलई ने ट्विटर पर अपनी इस नई शॉर्ट फिल्म काली का पोस्टर शेयर किया था, जिसमें हिंदू देवी को धूम्रपान करते और हाथ में LGBTQ समुदाय का झंडा थामे दिखाया गया है। इसी पोस्टर का समर्थन करते हुए महुआ मोइत्रा ने कहा था कि मां काली मांस खाने वाली और शराब स्वीकार करने वाली देवी हैं। उन्होंने कहा कि वह देवी काली को इसी रूप में देखती हैं। इसके बाद विवाद बहुत बढ़ गया था। वहीं भाजपा ने पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी पर मां काली का अपमान करने का आरोप लगाया है। साथ ही भाजपा ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को तुरंत गिरफ्तार करने के लिए शिकायत दर्ज कराई है। वहीं विवाद बढ़ता देख महुआ मोइत्रा ने अपने ट्वीट पर सफाई देते हुए कहा कि मैंने कभी किसी फिल्म या पोस्टर का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप सभी संघियों के लिए झूठ बोलना आपको बेहतर हिंदू नहीं बना देगा। मैंने कभी किसी फिल्म या पोस्टर का समर्थन नहीं किया, ना ही धूम्रपान शब्द का उल्लेख किया। मेरा एक सुझाव है, आप तारापीठ में मेरी माँ काली के पास जाएं यह देखने के लिए कि भोग के रूप में क्या चढ़ाया जाता है। जय माँ तारा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार लगातार विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। अभी हाल ही में उसने मुख्यमंत्री सहित विधायकों का वेतन भत्ता भी 2.5 गुना तक बढ़ा लिया, लेकिन फिर कैग यानी CAG रिपोर्ट आ गई और इसके हिसाब से दिल्ली सरकार का कर्ज पिछले 4 साल में 7% तक बढ़ चुका है। तो क्या मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली को पंजाब की राह यानी कंगाली की ओर लिए जा रहे हैं? क्योंकि CAG रिपोर्ट के अनुसार साल 2015-16 में जो कर्ज 32,497 करोड़ रुपए था, वो 2019-20 के आखिर में 37,766 करोड़ रुपए हो गया, यानी लगभग 7% की बढ़ोतरी। इसीलिए यह सवाल उठ रहा है कि केजरीवाल एंड कंपनी लाख अपनी पीठ थपथपाएं, लेकिन दिल्ली सरकार पर बढ़ता कर्ज उनके गले की हड्डी बन सकता है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार के नफा नुकसान पर CAG रिपोर्ट मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में पेश की गई। रिपोर्ट में पेश किए गए ये आंकड़े 2019-20 तक के हैं। इसके अनुसार दिल्ली सरकार का राजस्व अधिशेष यानी रेवेन्यू सरप्लस बना हुआ है, मतलब इसमें 2,268.93 करोड़ रुपए यानी 6.98% का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार का रेवेन्यू सरप्लस 2019-20 में 7,499 करोड़ रुपए रहा है। यह दिखाता है कि राजस्व के खर्च के हिसाब से उसके पास पैसा मौजूद है। इसीलिए केजरीवाल और उनके मंत्री अपनी पीठ ठोकते हुए ईमानदारी की दुहाई दे रहे हैं।
लेकिन सच ये भी है कि दिल्ली सरकार का रेवेन्यू सरप्लस होने की एक बड़ी वजह यह है कि उसके ज़्यादातर कर्मचारियों की पेंशन का जिम्मा केंद्र सरकार द्वारा उठाया जाता है। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस का खर्च भी गृह मंत्रालय द्वारा उठाया जाता है। वहीं CAG रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि दिल्ली सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का खर्च बढ़ा है। जैसे 2015-16 में सब्सिडी पर दिल्ली सरकार 1867.61 करोड़ रुपये खर्च करती थी, जो कि 2019-20 में बढ़कर 3592.94 करोड़ रुपये हो गया। 4 साल में यह 92.38% बढ़ गया। वहीं 2018-19 के मुकाबले यह बढ़ोतरी 41.85% है। इसके अलावा DTC बस सेवा की वजह से दिल्ली सरकार को बड़ा नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2019-20 में दिल्ली राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को जो नुकसान हुआ उसमें 99% हिस्सेदारी DTC की थी। मतलब DTC बस सर्विस दिल्ली सरकार के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है। गौरतलब है कि DTC सेवा में केजरीवाल ने कई मुफ्त स्कीमें निकाली हैं। वहीं इस रिपोर्ट में दिल्ली महिला एवं बाल विकास यानी WCD विभाग पर भी निशाना साधा गया है। कहा गया है कि विभाग ने अब तक वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल नहीं बनाया है, जबकि 16 साल पहले साल 2002 में उसके लिए जगह ली गई थी। कहा गया है कि यह सिर्फ न फंड को दबाकर बैठने का मामला है, बल्कि इसने महिलाओं को सुरक्षित आवास से वंचित रखा है। बताया गया कि इसके लिए तब 97.53 लाख रुपये का फंड अलाट हुआ था। वहीं इस रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल ने लिखा है, CAG रिपोर्ट कह रही है कि दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से दिल्ली सरकार फायदे में चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। जैसे ही विधानसभा में शिवसेना का चीफ व्हिप बदला, उद्धव ठाकरे को मुंह की खानी पड़ी और सत्ता हाथ से चली गई। अब ऐसे ही कुछ आसार लोकसभा में भी बन रहे हैं, जिसके बाद उद्धव ठाकरे के हाथ से कहीं पार्टी ही ना चली जाए। राजनीतिक जानकार अब ये मानकर चल रहे हैं और ऐसा हो भी सकता है। दरअसल महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार गिरने के बाद उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले तो उनकी गद्दी गई, फिर उनके बेटे सहित उनके पाले के सभी विधायकों पर विधायकी जाने का खतरा मंडराने लगा और इस सबसे बढ़कर उनके हाथ से शिवसेना पार्टी भी जा सकती है, क्योंकि जैसे आसार बन रहे हैं उससे शिवसेना पर नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का दावा अधिक मजबूत हो चला है। लेकिन इतना सब कुछ कम था जो अब उद्धव ठाकरे के पाले के विधायकों के बाद सांसदों में भी फूट पड़ गई है और शिवसेना की अंदरूनी कलह बढ़ती जा रही है। विधायकों के बाद बड़ी संख्या में सांसदों के भी पार्टी नेतृत्व से बगावत करने के कयास लग रहे हैं। नए घटनाक्रम के तहत पार्टी ने सांसद भावना गवली को लोकसभा में शिवसेना के चीफ व्हिप के पद से हटा दिया है। उनकी जगह पर उद्धव ठाकरे के करीबी कहे जाने वाले राजन बिचारे को यह जिम्मेदारी दी गई है। शिवसेना के संसदीय दल के नेता संजय राउत ने संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को लिखे पत्र में पार्टी के इस फैसले के बारे में जानकारी दी है। शिवसेना नेता संजय राउत ने पत्र में लिखा है, आपको यह बताया जाता है कि शिवसेना के संसदीय दल ने राजन बिचारे को लोकसभा में भावना गवली के स्थान पर पार्टी का चीफ व्हिप नियुक्त किया है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है। इस फैसले से विधायक दल में फूट के बाद अब शिवसेना के संसदीय दल में भी टकराव के आसार बढ़ गए हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे के विद्रोह के बाद भावना गवली ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा था। इसमें भावना गवली ने कहा था कि एकनाथ शिंदे की भूमिका सही थी, उसके बाद से ही चर्चा है कि शिवसेना के 12 सांसद एकनाथ शिंदे गुट के साथ जा सकते हैं। इसमें सबसे आगे भावना गवली का ही नाम है, शायद इसी के चलते शिवसेना ने उन्हें चीफ व्हिप के पद से हटाने का फैसला लिया है। अब देखना होगा कि इस फैसले पर भावना गवली का क्या रिएक्शन आता है। भावना गवली एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे समेत कई लोगों की ओर से बगावत का ऐलान किया जा सकता है। गौरतलब है कि मुंबई से शिवसेना सांसद राहुल सेवाले ने भी उद्धव ठाकरे को एक पत्र भेजा था। इसमें राहुल सेवाले ने BJP की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में गुहार लगाई थी। सांसदों के रवैये से साफ है कि राष्ट्रपति चुनाव में यदि शिवसेना विपक्ष की उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन करती है तो बगावत दिखेगी और क्रॉस वोटिंग हो सकती है। 16 में से करीब 12 सांसद द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट डाल सकते हैं। ऐसा होता है तो फिर यह शिवसेना के संसदीय दल में भी बड़ी टूट की शुरुआत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।